हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ ये हाथी बनाने के लिए। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा बॉडी ऊपर से नीचे बना के दिखाया है, सेकंड पार्ट में हम इसके हाथ पैर कान ये सब बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, ये आप अपने बच्चों के खिलौने की तरह बना सकती हैं। चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह से बनाएंगे। मैंने इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाया है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इसमें हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2, इसी तरह से हम 8 सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। इसमें हम इस तरह से 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस धागे को हम इस तरह खींच लेंगे। देखिए, ये मैंने 8 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। हम लास्ट वाले चैन में एक मार्कर लगा लेंगे। यह हमें हर बार करना है, नहीं तो हमारा पूरा राउंड गलत हो सकता है। तो सेकंड राउंड में हमारे पास 8 सिंगल क्रोशिया है, तो उसमें हम दो दो सिंगल, हर एक चैन में हम दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें बढ़ाना है तो हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। इस राउंड में हमें 16 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर चैन में हमें दो दो सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से हम हर चैन में दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हम मार्कर तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इस राउंड में हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। तो थर्ड रो में हम हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया है तो हम सब में एक एक ही बनाएंगे। हमारे पास 16 ही रहेंगे। इस तरह से हम इस राउंड को बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, ये राउंड भी मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो चौथे राउंड में हम पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद हमें अब इसको घटाना है, कम करने हैं फंदे। देखिए किस तरह से हम कम करेंगे। पहले फंदे से इस तरह फंदा लेंगे, पहले चैन से, फिर दूसरे चैन से। हमारे क्रोशिया हुक पे 3 फंदे हो गए हैं, तो हम तीनों में से इस तरह से क्रोशिया हुक निकाल लेंगे। तो हमारा इस तरह से एक फंदा कम हो जाएगा। इस तरह से हमें 4 बार बनाना है। तो हमने एक बार बना लिया है, ये 2 बार। देखिए, ये हमारे 2 फंदे कम हो गए, हमने 2 बार बना लिए इसी तरह से। और हमें 2 बार बनाना है।
इसी तरह से हम तीसरी बार भी करेंगे। ये हमने तीन फंदे घटा लिए हैं। अब हम एक और बार घटाएंगे, इसी तरह से एक फंदा कम करेंगे। तो पहले चैन से इस तरह फंदा लेंगे, फिर दूसरे चैन से, और फिर हम इन सबको एक साथ बना देंगे। तो हमारा एक फंदा और कम हो गया, चार फंदे हमारे कम हो गए। अब हम हर चैन में जितने हमारे पास बचे हैं, चार चैन हैं, तो चारों में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, तो चार चैन बचे थे, तो उन चारों में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट वाले चैन में इस तरह से मार्कर लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो हम पांचवे राउंड पे आ गए हैं, तो पांचवे में हम हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हैं, तो हम 12 में 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। हम 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक, 10 राउंड तक हम इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बना के उसको कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से हम 5 बनाएंगे, उसी तरह से हम 10 राउंड तक सेम हम इसी तरह बनाएंगे। देखिए, ये हमारा पांचवा राउंड कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हम 6, 7, 8, 9 और 10 बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने 5 तक हमने बना लिया था, 6, 7, 8, 9 और 10 10 रो तक हमने इसी तरह से इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। एक एक सिंगल क्रोशिया हर चैन में। अब हम इस तरह से एक स्लिप स्टिच लगा के धागे को कट कर देंगे। देखिए, इस तरह से हम एक गांठ लगा देंगे। तो ये हाथ बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें कॉटन भर देंगे। देखिए, इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा कॉटन भर देंगे। इस तरह से हम इसमें कॉटन हल्का सा भर लेंगे, और इस तरह से एक और हाथ बना के हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, अब हम पैर बनाएंगे। तो सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे, और इसमें हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इसमें 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
तो देखिए ये मैं फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया 8 सिंगल क्रोशिया बना के। अब सेकंड राउंड में हम हर चैन में हम दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट राउंड में 8 सिंगल क्रोशिया है तो सेकंड राउंड में हमारा 16 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। हमें यहाँ बढ़ाना है तो हमारा डबल हो जाएगा 8 का 16। इस तरह से हम सेकंड राउंड बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने सेकंड राउंड बना लिया है। अब हम थर्ड राउंड पे तीसरे रो पे आ गए हैं, तो तीसरा में पहले में 1 सिंगल क्रोशिया और दूसरे में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सेम चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस रो को बनाएंगे, पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, पहले में 1 सिंगल क्रोशिया और दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम मार्कर तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है बना के। अब हम चौथे राउंड पे आ गए हैं, तो चौथे राउंड में हम हर एक चैन में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए चौथे राउंड में इस तरह से हर चैन में हम 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया है, तो हम सब में 1-1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 4 और 5 दोनों राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे, 1-1 सिंगल क्रोशिया 4 राउंड, चौथा राउंड और पांचवा राउंड दोनों हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने चौथा और पांचवा दोनों को बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम छठे राउंड पे आ गए हैं, तो देखते हैं इसमें हम कैसे बनाएंगे। पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, चौथे में 1 सिंगल क्रोशिया, पांचवे में 1 सिंगल क्रोशिया और छः में 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए मैंने 1 से लेकर 6 तक में 1-1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमें 6 फंदे घटाने हैं, तो हम किस तरह से घटाएंगे। पहले फंदे से इस तरह से पहले चैन से एक बार फंदा लेंगे, फिर दूसरे वाले चैन से, फिर इन तीनों में से क्रोशिया हुक निकाल लेंगे, तो हमारा एक फंदा कम हो जाएगा। इसी तरह हमें 6 बार बनाना है, तो हमारा एक बार घट गया एक फंदा। अब हम दूसरी बार सेम इसी तरह से घटाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर इन तीनों को हम इस तरह से बना देंगे, तो हमारा 2 फंदा घट गया। इसी तरह से हम तीसरा घटाएंगे, ये हमारा 3 फंदे कम हो गए। हमने 3 बार बना लिया है। चार, पांच, और ये 6 बार हमने फंदे घटा लिए। अब हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हमारे पास लास्ट में 6 बच जाएंगे चैन, तो 6 में हमें
एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो 6 सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो देखिए हम नेक्स्ट राउंड कैसे बनाएंगे। पहले में हम एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया और हम इस तरह से पांचवें में घटाएंगे। 4 बनाने के बाद हम एक फंदा इस तरह से घटा देंगे। फिर हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन और ये 4। फिर हम एक फंदा घटाएंगे। देखिए इस तरह से इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा बना के कंप्लीट करेंगे। दो, तीन और ये 4। उसके बाद ये फंदा हम घटा देंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा हम कम कर देंगे। लास्ट वाले चैन में हम मार्कर लगा लेंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे। पहले में हम एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया और हम 3 के बाद इसमें घटाएंगे। हमने इससे पहले वाले राउंड में 4 के बाद घटाया था, इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया के बाद घटाएंगे। सेम उसी तरह से बनाएंगे हम इसको, लेकिन उसमें हमने 4 के बाद घटाया था, इसमें हम 3 के बाद घटाएंगे। इसी तरह से बना के इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने नीचे वाला किया था उसी तरह से हम इसको बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये राउंड मैं बना के कंप्लीट कर ली। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो इसमें हमें पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया और हमें इसमें 3 तीसरे में घटाना है। जैसे हमने नीचे वाले में 1 में 4 में घटाया था, फिर 1 3 सिंगल क्रोशिया के बाद घटाया था, उसी तरह से इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से घटा देना है। तो इसी तरह से हम पूरा इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक फंदा घटाएंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक फंदा घटाएंगे। इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए इस तरह से हम घटा लेंगे, फिर दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद लास्ट में उसको हम घटाएंगे। देखिए दो सिंगल क्रोशिया के बाद एक फंदा हम कम कर लेंगे। देखिए लास्ट में मैंने एक फंदा उल्टा लिया, ये पैर बन के कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हम एक और पैर बना लेंगे और इसमें भी हम कॉटन भर देंगे। अब हम एक स्लिप स्टिच लगा के धागे को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम गांठ लगा देंगे। धागा हमें थोड़ा बड़ा रखना है क्योंकि ये बाद में हमें सिलने के लिए काम आएगा। इसके अंदर हम कॉटन भर लेंगे और इस तरह से एक और पैर बना लेंगे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट इसके कान कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। फिर इसमें हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए मैंने 8 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब सेकंड रो में हम 8 सिंगल क्रोशिया में हम एक एक सिंगल क्रोशिया में हम दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा 16 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। हर चैन में हम दो दो सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। हर चैन में हमने दो दो सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब हम तीसरे राउंड पे आ गए हैं, तो तीसरे में पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में दो सिंगल क्रोशिया। देखिए दूसरे वाले चैन में हम सेम चैन में दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पहले में एक सिंगल क्रोशिया, और दूसरे में दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बना के हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। पहले में एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे में दो सिंगल क्रोशिया। इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये राउंड भी मैं बना के कंप्लीट कर ली हूँ। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे।
तो देखिए नेक्स्ट राउंड में फर्स्ट चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड में एक सिंगल क्रोशिया और थर्ड में तीसरे में हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे वाले चैन में हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें हमें एक बढ़ाना है। इसी तरह से पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया और तीसरे में हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी को हम रिपीट करते हुए जाएंगे पूरा मार्कर तक। पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया और तीसरे में दो सिंगल क्रोशिया। इस तरह से मैंने इसको मार्कर तक बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो इसमें हमें पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया और चौथे में हमें इसमें बढ़ाना है। इसमें हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चौथे में। इसी तरह से फिर इसको हम करेंगे, पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया और चौथे में बढ़ाएंगे। इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया और चौथे में हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया और चौथे में दो सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरा मार्कर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये राउंड भी मैं कंप्लीट कर ली हूँ। इस तरह से हम चार पीस बना लेंगे, क्योंकि हम दो पीस एक साथ जॉइंट करेंगे तो एक कान बन के तैयार होगा। तो देखिए हम दोनों को किस तरह से जॉइंट करेंगे। दोनों को सामने सामने सीधा सीधा सामने सामने रखेंगे और उल्टा दोनों अंदर रखेंगे। और देखिए इस तरह से दोनों को पकड़ के एक एक चैन और एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से दोनों से एक एक चैन लेंगे और फिर इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड में हम इसे जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हम पूरे राउंड में इसको जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम हर चैन में डालते हुए पूरे राउंड में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम बना के पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये मैंने पूरे राउंड में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम इस दो चैन को इस तरह से फोल्ड करके और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चैन में इसी तरह से बनाएंगे।
देखिए ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। हम एक बार और बनाएंगे उसके नेक्स्ट वाले चैन में, दोनों को इस तरह से फोल्ड करके और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये एक कान बन के कम्प्लीट हो गया है। एक और हम सेम इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब हम धागे को कट कर लेंगे। और एक नोट लगा देंगे। तो देखिए ये कान बन के कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हम एक और बना के कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम ट्रंक बनाएंगे, सूंड। तो सूंड हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए सामने सामने ये हमने जब बनाया था बॉडी, तो सामने सामने हमने चैन बनाया था, चैन छोड़ा था, उसी में हमें इसे बनाना है। तो सबसे पहले हम एक नॉट लगा लेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले चैन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे। देखिए और इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम नेक्स्ट वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे पास यहाँ तीन चैन है, हम तीनों चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से तीन चैन है हमारे पास, तो हम तीनों चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने तीनों चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब जो हमें ये लाइन दिख रही है दो, तो इसमें बनाना है। तो पहले वाले लाइन में इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से पहले वाले हुक में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले वाले लाइन में, फिर ये दूसरे वाले में बनाएंगे। ये हमने पांच सिंगल क्रोशिया बना लिया, तीन चैन में हमने बनाया था, और फिर जो ये दो लाइन है उसमें बनाया था, तो हमारे पास पांच सिंगल क्रोशिया हो गया। ऊपर हमारे पास तीन चैन सामने सामने दिख रहे हैं, तो हम इसमें इस तरह से क्रोशिया हुक डाल के इन तीनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से पहले में मैंने पहले चैन में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया और ये तीसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हमारे पास अभी आठ सिंगल क्रोशिया हो गए हैं, हमें दस बनाने हैं। तो देखिए जो उस साइड से हमने सामने वाले दोनों लाइन में बनाया था, इस साइड से भी हम दोनों सामने वाले लाइन में बीच वाले जो ये लाइन है इसमें बनाएंगे। तो हमारे पास टोटल दस सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से पहले वाले लाइन में मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से दूसरे वाले में भी
एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे तो हमारे पास टोटल 10 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, हमने 10 सिंगल क्रोशिया बना लिया है इसमें। देखिए लास्ट वाले चैन में मैंने मार्कर लगा दिया है, अब हम सेकंड राउंड बनाएंगे। तो सेकंड राउंड में देखिए हम कैसे बनाएंगे। पहले वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से पहले वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, ये तीसरा वाला चैन है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और चौथे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये पांचवे में हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हम यहाँ एक बढ़ाएंगे तो पांचवे में हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी को हम रिपीट करते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक, चौथे में भी एक बनाएंगे, देखिए इस तरह से चौथे में भी एक बनाएंगे, और लास्ट वाले में पांचवे में हम दो बनाएंगे। इस तरह से इस राउंड में हमारे पास दो एक्स्ट्रा सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। पहले राउंड में हमारे पास 10 थे, दूसरे राउंड में हमारे पास 12 हो गए हैं। देखिए इस तरह से दूसरे राउंड में हमारे पास 12 हो गए हैं। इस तरह से हम लास्ट वाले चैन में मार्कर लगा लेंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तीसरा। तो तीसरे राउंड में देखिए तीसरे राउंड में एक सिंगल क्रोशिया, पहले चैन में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, हम इसमें सारे में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तीसरे राउंड में। तो हम तीसरा, तीन,
चार, पाँच, छः, सात और आठ, आठ राउंड तक हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट करेंगे। हमें आठ राउंड तक इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, तीन से लेके आठ तक। तो हम थर्ड रो से लेके एट रो तक हम इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बना के और इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैंने आठ रो तक एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो हम नौ पे आ गए हैं, तो नौ राउंड में हम पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया, और पांचवे में हम इस तरह से एक फंदा कम करेंगे। हमें चार में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद हमें एक फंदा कम करना है। फिर इसी तरह से हम चार में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम एक एक फंदा कम करेंगे। देखिए पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए और लास्ट में हम दोनों फंदे को एक साथ कम कर देंगे। ये चौथे में एक सिंगल क्रोशिया और फिर लास्ट वाले फंदे को हम कम करेंगे। इस तरह से हम एक फंदा लटा देंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में हम दस राउंड पे आ गए हैं। तो दस में हम हर चैन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दस और ग्यारह दोनों हम इसी तरह से सिंपल हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के दोनों राउंड इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे। हर चैन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, दस को भी और ग्यारह को भी, दोनों राउंड को इसी तरह से हम बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने दस और ग्यारह दोनों राउंड एक एक सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम बारह पे आ गए हैं। तो बारह में देखिए पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक फंदा हम घटाएंगे। तीन सिंगल क्रोशिया के बाद एक घटाएंगे, फिर तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक घटाएंगे। इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। आप इसमें कॉटन अभी भर लें, नहीं तो बाद में आपको भरने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इसमें कॉटन पहले ही भर लें। देखिए इस तरह से हम लास्ट वाला फंदा घटा देंगे, एक फंदा हम यहाँ कम कर देंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ये
देखिए इस तरह से हम मार्कर लगा देंगे। फिर हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो हमारे पास 8 सिंगल क्रोशिया है, तो 8 में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस राउंड में। हर चैन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो देखिए इसमें हम पहले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक फंदा घटाएंगे, कम करेंगे। देखिए इस तरह से हम एक फंदा कम कर देंगे। देखिए पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया और तीसरे में हम फंदे को कम करेंगे। इस तरह से हम लास्ट वाला फंदा, दो फंदे लेके इसको बना देंगे तो एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट राउंड देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए 15 रो में हम पहले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर हम एक ऐसे नॉर्मल चैन बनाएंगे, फिर दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर चौथे में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर पांचवे में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये बनके कंप्लीट हो गया।
अब हम एक स्लिप स्टिच लगा के धागे को कट कर लेंगे। इसमें हम पहले ही कॉटन भर लेंगे, मैंने आपको भर के नहीं दिखाया है, पर आप इसमें कॉटन भर लीजिएगा। तो देखिए ये हमने सारे दो दो बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो चलिए देखिए हम इसको कैसे सिलेंगे। तो पहले हम देख लेंगे कि हाँ ये कहाँ अच्छे से लग रहा है। इस तरह से हम करके पहले देख लेंगे, उसके बाद हम इसे सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से नीडल डालेंगे। ऊपर से हम चौथे राउंड पे देखिए यहाँ से एक दो तीन चार चौथे वाले लाइन पे इस तरह से रख के तब फिर हम सिलना शुरू करेंगे। इस तरह हम पिन से इसको अटैच कर लेंगे ताकि ये हिले ना। पहले हम मेजर कर लेंगे कि हाँ सही ये बैठ रहा है या नहीं। फिर हम चारों तरफ जैसे आपको वीडियो में दिखाया जाएगा उस तरह से आप चारों तरफ से कान को सिल के अटैच कर लें। हमें बिल्कुल पास पास में सिलाई करनी है, हल्का हल्का सा चैन पकड़ के। देखिए पीछे हम जहाँ सुई निकालेंगे फिर वापस नीडल हम उसी जगह से डालेंगे। देखिए इस तरह से हम वापस वहीं से डालेंगे और फिर कान के एकदम पास में निकालेंगे। इस तरह से हम चारों साइड से हल्का हल्का अच्छे से इसको सिल के कंप्लीट करेंगे।
अब हम आगे साइड से सिलेंगे। इस तरह से हम आगे साइड को नीडल निकाल लेंगे और हमें जितने आगे चैन दिख रहे हैं उसमें दोनों चैन में नहीं पकड़ने हैं, हमें सिर्फ सामने सामने नीचे नीचे वाले चैन में, ऊपर ऊपर वाला चैन हम नहीं पकड़ेंगे। नीचे वाले चैन जो हमें दिख रहे हैं इन सारे में हमें नीडल डाल के और पूरा अच्छे से सिलाई कर लेना है। देखिए इस तरह से सामने सामने चैन में हम नीडल डाल के पूरे चार तरफ से इसको अच्छे से टाका लगा लेंगे। देखिए ये सिल के कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम सारे पार्ट को सिल के अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हम दूसरा भी अटैच कर लेंगे इसमें सेम तरीके से। और साथ में इस तरह से इसके हाथ पैर भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने दूसरे वाला कान भी लगा लिया है। और पीछे मैंने दोनों धागे एक साथ इस तरह से रखे हैं। अब हम इसमें गांठ लगा के और इसको कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हम धागे को नीडल से अंदर कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी के सारे पार्ट पैर को हम इस तरह से यहाँ अटैच कर देंगे और हाथ को हम यहाँ पे जैसे हमने कान को सिलाई किया था उसी तरह से हम इन सारे को सिल के अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने लाइन लाइन से बनाए हैं हाथ पे और पैर पे। तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे, देखिए इस तरह से सामने सामने नीडल डालेंगे नीचे से फिर ऊपर। इस तरह से हम इसमें तीन लाइन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले होल में डालेंगे। देखिए एक बन गया लाइन। इसी तरह से हम दो और बनाएंगे। देखिए ये दो बन के कम्प्लीट हो गया।
और हम तीसरा बनाएंगे। ये बन गया है। अब हम धागे को कट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे में, हाथ में भी और पैर में भी, चारों में बना के और कंप्लीट करेंगे। धागे को हम अंदर कर देंगे इस तरह से नीडल से। देखिए ये इस तरह से बन गया है। इसी तरह से मैंने सब में बना के कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हम पैर में भी बना लेंगे। तो देखिए ये मैंने चारों में बना लिया है। ये मैंने हाथ पर सारे अटैच कर लिए हैं। और देखिए इस तरह से आईज लगा दिए मैंने, आँख, और मैंने इस पर भी इस तरह से लाइनिंग बना दी है। पूंछ मैंने सिंपल चैन बना दिया है। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने सारा कुछ नहीं दिखा पाई, बहुत लंबी हो गई है वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे।